नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बहुत सारा सिख परिवार यहाँ पर आया हुआ है और देश के सभी कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ चरणजीत जी हैं। चरणजीत जी, आवाज़ हिंद, ये क्या कार्यक्रम है वो बताएं। सर, आज ह्यूमन राइट डे है और हर साल 10 दिसंबर को होता है। हमारी संस्था 1987 से प्रति वर्ष ये डे मनाती हुई आ रही है। हमारे पहले जो अध्यक्ष थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे और लास्ट जो अध्यक्ष हुए हैं तो जोगिंदर सिंह थे, जो सीबीआई के डायरेक्टर थे। अभी दुआ साहब हैं जो हमारे एमयू दुआ जी हैं। और इस लड़ाई को लेकर अब हम चलने को निकले हैं कि जो देश में अधिकार हैं, मानवाधिकार, असल में मानव के जो अधिकार हैं वो 1947 से लेकर अब तक नहीं दिए गए हैं। एक केवल नाटक किया गया मानवाधिकार का। अभी हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथी हैं, वो एक बात कर रहे थे कि यार जेल में जाएंगे तो कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब कुछ मिलेगा। यानी कि एक अपराधी के लिए सभी अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन एक आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, एक इन जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, एक PhD करे हुए व्यक्ति का कोई मानवाधिकार नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि देश के हर नागरिक को जो बेरोजगार है, जिसके पास कमाने का साधन नहीं है, उसको 15,000 रुपया महीना कम से कम दिया जाए। और हमारी जो पार्टी जो इलेक्शन लड़ाने जा रही है 2019 का, हम ये लिख के देने के तैयार हैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट में लिख के देंगे। पार्टी से लड़वाना चाह रहे हैं वो कौन सी पार्टी से? अभी पार्टी का गठन हो गया है? नहीं हुआ है? गठन हो चुका है। आयरा पार्टी का नाम है, रजिस्टर्ड है और बहुत जल्दी नेशनल पार्टी है। और नेशनल हमारा बहुत जल्दी सिंबल भी आने वाला है, हम बहुत जल्दी सबको बताएंगे। सिंबल भी हमारा बहुत जोरदार है, उस पर हमने बड़ी रिसर्च करी है। जो आप आज आपने यहाँ पर देखा, हम लोगों ने ईश्वर की कृपा से गुरु का लंगर यहाँ पर वर्ताया, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी ये खुशी की बात थी कि भूखे को खाना सबसे पहले मिलना चाहिए। तो उसको हम आधार लेकर चल रहे हैं कि 15,000 रुपये महीना एक आदमी की ज़रूरत है, वो कम से कम उसको मिलनी चाहिए। और जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिख के नहीं दे सकती कि हम वो देंगे, तो उसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो सरकार में रहे। और उसको इलेक्शन कमीशन में भी लिख के देना चाहिए कि हम 15,000 रुपया कम से कम देंगे। आप ये देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति जो करोड़ों रुपया डकार के यहाँ से गायब हो जाते हैं, फुर हो जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। आज अगर एक कोई 500 करोड़ का किसी बैंक से लोन लेता है तो वो कहता है मैं तो 50 करोड़ दे सकता हूँ जी, 450 करोड़ मेरा माफ़ कर दो, उसका माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए एक किस्त भी देनी होती है उसको, अगर मोटरसाइकिल की या कार की या मोबाइल की, तो घर में बदमाश आ जाते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आम आदमी को भारत की सरकार 1947 से दबाए जाली जा रही है। आप ये देखिए, हमारा जो एक रुपया और डॉलर बराबर था 1947 में, आज 74% हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम हो चुकी है और ये लगातार गिरती चली जा रही है। क्या कारण है? आप देखिए, अगर ये इनमें बुद्धिमता होती, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं,